आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को क्लिक करने के लिए। आप देख रहे हो आपका मनपसंद यूट्यूब चैनल अट्रैक्टिव स्टडी। आप इस वीडियो में देख सकते हैं दिल्ली पुलिस का बहुत बड़ा वैकेंसी निकल चुका है, वायरलेस ऑपरेटर का पोस्ट 16,049 पोस्ट है। इस वीडियो में हम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन लेकर सिलेक्शन प्रोसेस तक स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाएंगे। आप हमारे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पास में जो बेल आइकन है बेल आइकन का प्रेस कर लीजिए पल पल का अपडेट पाने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप देख सकते हैं हमने ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन है वो ओपन कर लिया है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन देख सकते हैं वायरलेस ऑपरेटर एंड टेलीप्रिंटर ऑपरेटर में वैकेंसी आ चुका है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट 28 दिसंबर 2019 एंड रजिस्ट्रेशन क्लोज 27 जनवरी 2020। आपको इस वैकेंसी में अप्लाई करने के लिए सिर्फ एक महीना है। पहले देख लीजिए ये आप जो वैकेंसी है ये ऑनलाइन के माध्यम से आप अप्लाई कर सकते हैं ऑफिशियल वेबसाइट के द्वारा। हु कैन अप्लाई, कौन कौन बंदे अप्लाई कर सकते हैं, मेल एंड फीमेल बोथ आर एप्लीकेबल फॉर दिस वैकेंसी। मेल एंड फीमेल दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं इस वैकेंसी को लेकर। वैकेंसी एक बार देख लेते हैं। जनरल के लिए 223 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस के लिए 65 पोस्ट है, ओबीसी के लिए 153 पोस्ट है, एससी के लिए 126 पोस्ट है, एसटी के लिए 82 पोस्ट है, ग्रैंड टोटल पोस्ट है 649 पोस्ट है। जो आपका सैलरी रहेगा वो रहेगा 25,500 से लेकर 21,100 के बीच में आपका सैलरी रहेगा। एज लिमिट एक बार देख लेते हैं। जो एज है जेएल के लिए 18 से 27 साल रखा गया है, ओबीसी के लिए 18 से 30, एसटी एससी के लिए 18 से 32, डिपार्टमेंटल कैंडिडेट के लिए 18 से 43 ईयर्स रखा गया है। आप देख सकते हैं एक सर्विसमैन के लिए एज ऑन एक सर्विसमैन रूल जो रखा गया। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एक बार फिर देख लेते हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है आप 12वीं पास है साइंस में तो आप अप्लाई कर सकते हैं, और आपका 12वीं पास साइंस में नहीं है तो आपका आईटीआई है। किसमें? आपका जो मशीन कम ऑपरेटर आता है इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन सिस्टम में आप आईटीआई किया है तो आप इस वैकेंसी को देख सकते हैं। आप कहाँ से अप्लाई करेंगे एक बार फिर देख लेते हैं। आपका जो ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक है www.dillipolice.nic.in, ये जो लिंक है हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालेंगे, आप वहाँ से जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन फी देख लेते हैं। ईडब्ल्यूएस और जनरल कैंडिडेट के लिए 100 रुपये रखा गया है, और एसटीएससी एक सर्विसमैन वोमेन कैंडिडेट के लिए कोई भी फी नहीं है, फी की छूट दी गई है। तो आप जनरल और ईडब्ल्यूएस वाले ऑनलाइन माध्यम से 100 रुपीज पे करेंगे और इस वैकेंसी को आप देख सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस एक बार देख लीजिए। आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस है पहले होगा कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन। कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन क्वालिफाई करने के बाद आपका फिजिकल एंड्योरेंस और मेजरमेंट टेस्ट होगा, और फिजिकल एंड्योरेंस एंड मेजरमेंट टेस्ट क्वालिफाई करने के बाद आपको बुलाया जाएगा ट्रेड टेस्ट में, और कंप्यूटर ऑपरेशन जो टेस्ट होता है उसमें बुलाया जाएगा आपको। और कोई भी जानकारी लेने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में जो बेल आइकन है बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।